हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और जस्ट हमने चाय वगैरह भी पी, देख सकते हैं आप बर्तन वगैरह भी यहीं पर रखे हुए हैं और हस्बैंड भी नीचे गए और बेटी भी नीचे गई, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये सभी चीज़ें उठा कर ले जाऊँगी और नीचे ही वॉश करने हैं, काफ़ी दिन हो गए थे, बारिश का मौसम हो रहा था इसीलिए नीचे गए हैं हस्बैंड, क्योंकि पशु के लिए चारा लेकर आना था, मतलब दीदी लेकर आएगी मतलब बाइक से लेकर आते हैं इसी वजह से। और बाहर बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि अभी बारिश आएगी तो जिसकी वजह से वो टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। तो एक बार मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह तय कर देती हूँ क्योंकि बाद में फिर आने का टाइम नहीं मिलेगा। और आज बेड शीट भी चेंज करनी थी क्योंकि ये बेड शीट और जो ये बेटी के नीचे बिछाते हैं इन दोनों को ही मुझे वॉश करना था। बारिश का मौसम हो रहा है, देखते हैं वो हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो देखती हूँ। लेकिन आज बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ही ने जो लोई होती है हम ओढ़ते हैं उसे मैं टाई लगा लेती हूँ। तो इनको साइड में रख देती हूँ क्योंकि बाद में आने का फिर टाइम नहीं मिलेगा, बाद में नीचे लग जाएंगे और बारिश आ जाएगी तो फिर ऊपर आती ही नहीं हूँ मैं। तो इसी वजह से इन चीज़ों को करने के बाद मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से बिजलियाँ कड़क रही हैं काफ़ी तेज़। ऐसा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश आने वाली है, देखते हैं कितनी आती है। तो कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, लास्ट मतलब वो चल रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इन बेड शीट को इसको डाल दूँगी, ये भी वॉश हो जाएंगे। अगर बारिश नहीं आई तो जाते ही डाल दूँगी, अगर आ गई तो फिर नहीं डाल सकते क्योंकि फिर नहीं वॉश होंगे तो कल वॉश हो जाएंगे। और अभी लगातार बारिश बता रखी है 3 से 4 दिन की, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं दूसरी बेड शीट लगा देती हूँ, वो बेड शीट मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर बेड शीट हटाने के करने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर नीचे चली जाती हूँ। झाड़ू यहाँ पर नहीं है, नीचे से ही लेकर आनी पड़ती है, 1-2 दिन में लगाती हूँ, रेगुलर नहीं लगाती हूँ यहाँ पर क्योंकि हम सोने के लिए आते हैं, वैसे यहाँ पर कोई नहीं आता। तो आप देख सकते हैं मैंने बेड शीट लगा दी है और एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो आप बाहर देख सकते हैं बादल बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको बादल दिखा रही हूँ, बिल्कुल घर के सामने का व्यू कुछ ग्रीन ग्रीन रहता है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि पशुओं के लिए चारा लेने के लिए हमारे कहाँ पर जाते हैं। तो चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे थे और मुझे गोसे लेकर जाने थे, याद आ गया था। तो मैं सोच रही थी कि खाली हाथ जाऊँ, उससे पहले गोसे लेकर चली जाऊँ, परात नहीं लेकर आई थी। तो मैं यहाँ गोसे ले लेती हूँ क्योंकि पशुओं की बाट बनानी है, तो मैं यहाँ से गोसे ले रही हूँ। और बादल इतने काले काले घिरे आ रहे हैं, बारिश आ जाएगी तो फिर बस कुछ भी काम नहीं होगा। कपड़े वॉश हो चुके हैं तो जो कपड़े सूख रहे थे पूरा भरा हुआ था, देखती हूँ फिर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी स्टार्ट होती है तो उनको अंदर डालने पड़ेंगे। बारिश के मौसम में इस तरह से ही एडजस्ट करना पड़ता है और हमारे तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं बस जितने मुझे गोसे लेने थे वो मैंने ले लिए, एक बार की बाट बन जाएगी, शाम को फिर से ले लेंगे, देखते हैं। तो अब नीचे जाकर मिलती हूँ। गाइस, टाइम हो रहा है 6:30 बजे के करीबन का और बारिश हो गई थी और उसके बाद फिर जैसे कपड़े वगैरह थे ऊपर सुखाने पड़े और उसके बाद कुछ कपड़े यहाँ पर भी क्या चादर वगैरह वो उस कर दी थी, तो ये कुछ कपड़े थे। अभी खाना बना रहे हैं और बच्चे स्कूल के लिए रेडी हैं, आप दिखा दो एक बार। और ये मेरी टम मम्मी टाटा करो, टाटा करो, आप टाटा करो, टाटा करो, टाटा करो, टाटा नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने बेटी को दूध वगैरह पिला दिया था क्योंकि वो दूध की जिद कर रही थी और कपड़े सारे अंदर सुखा दिए थे क्योंकि बारिश आप देख सकते हैं अचानक से काफ़ी तेज़ आ गई थी। और पशुओं के लिए चारा वगैरह भी सब कुछ लेकर पहले ही आ गए थे। दीदी खाना बना रही है, बच्चे रेडी हैं, 7:45 बजे का टाइम है, 7 बजे इनका बस आएगी। और मेरे बेटे का स्कूल अभी नहीं लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारिश मतलब झिरमिर झिरमिर हो रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है, झड़ सी लगा रखी है ये कह सकते हैं आप। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मैंने कपड़े सारे मतलब वहाँ डाल दिए थे, आधे में ऊपर डालकर आ गई थी और कुछ 1-2 चीज़ें नीचे डाल दी थी। आज लोई वगैरह भी वॉश हुई थी तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे।
तो जस्ट अब कुछ काम तो था नहीं कि सुबह सुबह पोछा वगैरह लगाने का, बच्चे वगैरह स्कूल जाने की तैयारी में थे। मैंने सोचा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, अभी टाइम है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, जितने भी कपड़े थे वो टह लगा दिए हैं, और जो कपड़े प्रेस करने के थे मैं प्रेस करने लग गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी थी अभी वो खेल रही थी। देखती हूँ कितनी देर बाद वो आकर अंदर आ जाती है तो मुझे नहीं करने देगी, तो मैं फटाफट से प्रेस करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बारिश के मौसम में इसी तरह से होता है, और 3-4 दिन लगातार बारिश बता रखी। और जैसे ही मैं प्रेस लगाई थी, मेरी प्रेस गर्म हो गई थी और मेरी बेटी आ गई थी, जिद करने लग गई थी कि मुझे भी यहीं पर बैठना है, मुझे भी यहीं पर बैठना है। तो आप सोच सकते हैं छोटे बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ की जिद करते हैं, और फिर मतलब जैसे गर्म प्रेस होते तो बच्चे हाथ लगा दे, तो वो नहीं मान रही थी। तो मैंने मुझे बीच में ही छोड़कर इसे जाना पड़ा, और थोड़ी देर बाद मैं उसको उसके दादाजी के पास छोड़कर आ गई थी। और बारिश थोड़ी सी कम हुई थी तो वो अपने दादाजी के साथ बाहर चली गई थी, उसके बाद मैंने सारी प्रेस वगैरह की थी। मतलब जैसे ही बारिश वगैरह नहीं होती है तो वो हमेशा स्कूटी पर बैठकर चली जाती है, और खुश होती है, आधे से पौन घंटे के लिए बाहर चली जाती है, तो हमारे भी काम निपट जाते हैं। और मतलब उसके दादाजी वहाँ पर उसे ले गए थे। तो ये मेरे को एक सूट को भी प्रेस नहीं करने दे रही। मैं कह रही हूँ थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, लेकिन बच्चे हैं बिल्कुल भी नहीं मान रहे। तो इसको मैंने आज बैठा दिया था, अभी थोड़ा सा चुप कर कर फ़ोन पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन में क्या सुन रही है, आप भी देख लो। तो ये सुन रही थी फ़ोन, और यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बाहर का तो कुछ करना नहीं था। एक बार अच्छे से वाइपर लगा दिया था, जितनी भी गंदगी वगैरह होती है वो निकल जाए, फिर साफ़ साफ़ पानी ही आता है। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बस अंदर अंदर पोछा लगाना होगा, और बारिश के मौसम में काम भी जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। अब बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो इतना मेसी भी नहीं होता, जब चारों घर पर रहते हैं जब ज़्यादा मेसी होता है तो इतना वो नहीं होता। और बच्चे 2:30-3 बजे के करीबन स्कूल से आएंगे, तब तक हम आराम से मतलब अपना कुछ निपटा लेंगे या सो लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, रेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कमरे को मैंने करने के बाद मैं दूसरे रूम में आ गई थी, और उसको मैं सबसे पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और फिर वैसे इतना गंदा भी नहीं होता। बस ये होता है बारिश में खुला घर है तो अंदर से बाहर आते हैं तो मतलब थोड़ा सा पैर गीले वगैरह कर कर लेकर, वैसे तो हर जगह पर पायदान डले हुए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे पैर गीले हो जाते हैं तब वो हो जाता है, अदरवाइज घर वैसा का वैसा ही रहता है। बच्चे जब घर पर नहीं रहते तो अगर बच्चे होते हैं तो बस फिर इधर उधर खिलौने वगैरह ही बिखरे हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी आम खाने की जिद कर रही थी, और आम थे नहीं, क्योंकि इस मौसम में जो आम आ रहे हो काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। तो यहाँ पर नाशपत्ती रखी हुई थी, मैं इसको नाशपत्ती खिला रही हूँ, और ये जिद कर रही थी मुझे आम ही खाने। मैं इसको नाशपत्ती कट कर कर दे रही थी लेकिन ये नहीं खा रही थी, आप देख सकते हैं, तो इसको मुझे ही खाना पड़ा। छोटे बच्चे होते हैं किसी भी एक चीज़ की जिद कर लेते हैं तो बस उसी चीज़ की जिद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा मतलब खुल चुका है, बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल रुक चुकी है, और टाइम हो रहा है 9:30 बजे के करीबन का, हाँ 9:30 बजे के करीबन का टाइम हो रहा है। और मेरे अंदर का झाड़ू पोछा दोनों चीज़ हो चुकी थी, आप देख सकते हैं, और मेरी बेटी की अब क्लास आ गई। उसके बाद मैं फटाफट से थोड़ी सी वीडियो और एडिट कर लेती थी। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे पहले ही, क्योंकि थोड़ी सी बारिश जैसे ही रुकी तो मैं बर्तन वॉश करने चली गई थी। उसके बाद मेरी किचन बच गई थी, अब मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। खाना ऑलमोस्ट सभी ने खा लिया है, मैंने नहीं खाया है, मुझे आज पूजा करनी थी, आज मंगलवार था तो पूजा करनी थी, इसी वजह से खाना थोड़ा सा लेट हो जाएगा मेरा। तो मैं नहाने के बाद अभी पूजा वगैरह करूँगी, अब मेरी बेटी की क्लास आ जाएगी तो मैं वीडियो वगैरह बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ वो आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह सारे वॉश हो चुके थे, बस मैं खाना खाऊँगी, और पापा जी दोनों ने नहीं खाया है। अभी जैसे ही हम खाना खाएँगे उसके बाद मैं अभी बर्तन वॉश कर दूँगी, अगर बारिश खुल जाती है तो, अगर आती रहती है तो अंदर सिंक नहीं है, बाहर बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, तो बारिश में मैं बर्तन वॉश नहीं करके लेके आऊँगी, वो शाम को ही कर लेंगे। तो यहाँ से मैं किचन क्लीनिंग भी फटाफट से कर लेती हूँ, इसी तरह से मतलब रेगुलर का ही काम होता है। और बारिश के मौसम में बस
ये रहता है कि जो बाहर का होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, अंदर अंदर का ही हमें करना पड़ता है। लेकिन आज बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों मैंने पूजा वगैरह कर ली है और टाइम हो रहा है 10:30 11 बजे का, क्योंकि मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेज आ रही थी और यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई है और घर आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी मैं देखती हूँ, अगर धूप निकल जाएगी तो इसमें वाइपर लगाऊंगी। इससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, भूख लगी हुई है। 11 बज चुके हैं और बेटे की भी क्लास जा चुकी है, वो अपना अब होमवर्क करेगा, जो भी होमवर्क आता है नेक्स्ट डे भेजना होता है वो होमवर्क। घर में भूख ज़्यादा हो रही है, नहा ली और मैं कुछ नहीं किया है, जस्ट पूजा वगैरह की और उसके बाद में खाना खा रही हूँ अभी। तो टाइम हो रहा है 10:30 बजे के करीबन का, तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? टाइम हो रहा है 4 बजे का और अभी मैं जस्ट मतलब सोई तो मैं 1 या 1.5 घंटे थी और साफ मौसम हो गया था, उसके बाद मैंने पूरे घर में वाइपर वगैरह लगाया। मतलब 12 बजे सोई थी और 1 बजे उठ गई थी क्योंकि कुछ कस्टमर आ गए थे सोप पर। उसके बाद फिर मैं बैठ गई, बच्चे स्कूल से आ गए, बस ऐसे ही। और अब मैं जस्ट चाय बनाऊंगी इवनिंग की, तो चलते हैं चाय बनाते हैं। तो दोपहर में थोड़ा बहुत आराम करने के बाद अब 4 बजे हैं और बच्चे भी आ चुके हैं, 2:30 बजे के करीबन आ जाते हैं। और 4 बजे मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। एक चाय दीदी ने 1 बजे से पी ली थी, इसलिए ये जो भगोना था थोड़ा सा जूठा है, इसी के अंदर दोबारा से बना लूँगी। और बच्चों के टिफ़िन वगैरह देख सकते हैं किस तरह से रसोई के अंदर रखे हुए हैं, तो मैं इन सभी जो जूठे बर्तन हैं उनको टब के अंदर डाल लेती हूँ, उनको बाद उनको वॉश वगैरह करेंगे। 4 बजे हैं आज, मतलब इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, तो धूप नहीं है तो मतलब अभी ही बर्तन वॉश कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं 5 5:30 बजे के करीबन शाम के बर्तन वॉश करती हूँ। तो आज मतलब बारिश हुई थी तो शाम को खाना भी जल्दी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ भूतरी वगैरह जो आती हैं वो आ जाती हैं। तो मैं ये बर्तन थे कुछ जो बारिश खुलने के बाद मैंने और पापा ने खाना खाया था वो बर्तन वॉश कर लिए थे तभी, क्योंकि जब खुल गया था उसके बाद मैंने सारे घर में वाइपर वगैरह पोछा बाहर जो होता है वहाँ पर लगा दिया था और वो सूख भी गया था। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे हमने रेस्ट की थी कुछ, फिर आ जाते हैं और फिर आपस में बातों में लग जाते हैं, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। दुकान पर एक भी कस्टमर आ जाए तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो इसी तरह से दिन सुबह से शाम तक हमारा रूटीन रहता है। और ये बर्तन जो जूठे थे बर्तन जो बच्चे स्कूल से टिफ़िन वगैरह लेकर आए थे और चाय पी थी, वो बर्तन मैंने डाल दी है और मेरी चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब चाय पीते हैं। तो यहाँ पर चाय में मैं डाल देती हूँ सबसे पहले चाय पत्ती। उसके बाद अदरक डाल देते हैं अच्छे से कसकर। अब अदरक पता नहीं कैसी आ रही, इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं आती, बहुत सारी डालने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि अदरक में, अदरवाइज इतनी अदरक डालते हैं तो कंठ पकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस अदरक में इतनी ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद चीनी डाल देंगे और बस फिर गर्मा गर्म चाय बनकर हमारी रेडी है। तो यहाँ पर मैं दूध लेकर आ गई थी जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने डाल दिया है अभी। और खाना खाने का आज मतलब वो नहीं है, अदरवाइज चाय के साथ वो कुछ खा लेते हैं, तो क्योंकि आज दोपहर में लेट खाना खाया था 11 11:15 बजे के करीबन, तो चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका है और अभी चाय में छान लेती हूँ। पापा जी ले लेंगे, दीदी ले लेगी और मैं, तीनों चाय पियेंगे और बेटी को दूध और बिस्किट दे दूँगी। तो बस फिर आज मौसम थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है कि बारिश जैसा, तो फटाफट से अभी बर्तन वॉश करने हैं, झाड़ू निकालनी है, 5 बजे तक मेरा सारा काम हो जाएगा। अदरवाइज 5 बजे हम बाहर जाते हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे जैसे ही स्कूल से आए थे तो किस तरह से चारपाइयों पर बेड को सब मेसी कर देते हैं। तो इसके बाद इवनिंग में मैं इन्हें सब कुछ ठीक करती हूँ और फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो सबसे पहले हम चाय पी लेते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पसीने देख सकते हैं आप, बारिश भी हुई थी आज और फिर बारिश का मौसम हो रहा है दोबारा से। बच्चे खेल रहे हैं, 2:30 बजे स्कूल से आए थे और
आज पानी नहीं आया है, तो पानी आएगा वो भरूँगी, उसके बाद मैं अभी झाड़ू निकालूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, फिर खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम 4 बज गए हैं। थोड़ा मौसम ऐसे है कि आज धूप नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो मतलब अभी कर लूँगी। वैसे मैं 5 बजे स्टार्ट करती हूँ काम, तो देखती हूँ। एक सूटों की वीडियो बनाऊँगी तो उसका लिंक डालूँगी, आप ज़रूर देखना, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आप भी सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। कहते हैं ना कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है यार, हमारे तो पता नहीं क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। चाय पी लो आप भी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं मतलब पशुओं का गोबर वगैरह कूड़ी में डालने के लिए चली गई थी, और इतने ज़्यादा पसीने आ गए थे, और टाइम 4:30 बजे 4:45 बजे का हो रहा है बस। फिर झाड़ू लगाऊंगी, और बच्चे लेकर आ गए थे जामुन, पड़ोस में एक जामुन का पेड़ है जो काफ़ी हैवी है, तो वो आंटी है जो किराएदार रहते हैं, वो हमेशा 1-1.5 किलो जामुन पेड़ से तोड़ कर दे देते हैं। वैसे बाज़ार में जामुन काफ़ी महंगे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जामुन कितने ताज़ी ताज़ी हैं और स्वादिष्ट भी हैं। जामुन आते ना वो बाज़ार में कम से कम 100 रुपये 150 रुपये किलो मिलते हैं, तो यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं, तो आराम से खा लेते हैं, और बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। दिखा लेना एक बार, तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। और अभी बेटा और बेटी लेकर चले गए थे, काफ़ी सारे थे, अभी खा लेते हैं थोड़े से, अच्छे लगते हैं खट्टे खट्टे। तो यहाँ पर मेरी बेटी झाड़ू निकाल रही है, मैं जैसे ही झाड़ू उठाकर चली, ये मेरे से छीनकर झाड़ू लेकर चली गई, और बिल्कुल सूख चुका है बाहर का, मतलब बारिश खुल गई थी लेकिन मौसम भी ठंडा हो गया था। और यहाँ पर मैं मतलब जो चारपाई है उनकी चादर वगैरह को अच्छे से लगा देती हूँ, इसके बाद झाड़ू निकालूँगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। और बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, और टाइम 4:45 बजे के करीबन का हो रहा है, तो बस फिर सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करूँगी। आज सब्ज़ी आलू की बनाऊँगी, तरी वाली आलू की सब्ज़ी, बस ऐसे ही काम होता है मॉर्निंग टू नाइट, पता ही नहीं चलता हाउसवाइफ की कैसी मतलब लाइफ होती है, सुबह से शाम कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता, तो इसी तरह से होता है हमारा रूटीन। तो अगर आपको हमारा ये रूटीन थोड़ा सा भी अच्छा लगे, या अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। झाड़ू वगैरह निकाली है, और अब मैं जस्ट ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े सुखाए थे, आज सुबह बारिश का मौसम था, तो सुबह मतलब जो कपड़े थे वो छत के ऊपर ही सुखा गए थे, तो वो देखती हूँ कितने सूखे हैं, मतलब सोफे के ऊपर बेड के ऊपर ऐसे ही डाल रखे, तब देखती हूँ कितने ज़्यादा मतलब सूखे हैं, नहीं सूखे होंगे तो फैलाने पड़ेंगे, रात भर सूख जाएंगे, नहीं उन्हें टह लगाऊंगी, सांस चढ़ जाता है बिल्कुल। और अब मैं जीने में बैठी हूँ, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे, पसीने इतने आ जाते हैं एक काम करते ही, और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, रोज़ सोचती हूँ साड़ी वियरिंग की वीडियो बनाऊँ, मेकअप की वीडियो बनाऊँ, तो कुछ होम रेमेडीज वगैरह टाइम लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और छोटे बच्चे होते हैं घर पर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, ऊपर उसमें इतनी आवाज़ आ रही है, इनके बच्चे किराएदार रहते हैं बहुत सारे, तो शोर मचा रहे हैं। मैं सोचती हूँ इंस्टा पर अच्छी अच्छी रील्स डाल लूँ। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है पूरी, इंस्टाग्राम पर मेरे अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे, हमारे लिए तो अच्छे ही हैं, मतलब 2400 कुछ फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टाग्राम पर, वो मेरे अचानक से पता नहीं उस अकाउंट को क्या हो गया, अब मैं उस अकाउंट को प्राइवेट कर रही हूँ, दूसरा अकाउंट ओपन किया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर मुझे फॉलो करें, ताकि मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब वो मिले। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तभी तो अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगी, फॉलोअर्स नहीं होंगे देखेंगे कौन, तो मैं ट्राई कर रही हूँ दूसरा अकाउंट, दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है जब ऐसे हो जाता है, तो इतने दिनों में मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे और अच्छी मतलब रिस्पॉन्स आने लगा था, ज़्यादा तो वीडियो नहीं डाली थी मैंने, 98-99 मतलब इस तरह की फ़ोटो और वीडियो ज़्यादा नहीं थी, मैं रेगुलर अपडेट मतलब अपडेट नहीं थी या रेगुलर मतलब लिंक नहीं थी इंस्टाग्राम से, अभी स्टार्ट कर ही गई थी रेगुलर अच्छी अच्छी वीडियो रील्स डालने की, तो टाइम निकाल कर जैसे ही पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने अनइंस्टॉल किया था, फिर इंस्टॉल किया तो वो मेरे इंस्टाग्राम में मैंने मतलब कई आईडी बना रखी थी, तो वो आईडी ओपन नहीं हो रही, सर्च में आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है,
उसको प्राइवेट कर देती हूँ। किसी ने मेरी फेक आईडी भी बना रखी है, तो मैं कहूँगी उस फेक आईडी का लिंक भी मैं आपको दिखा दूँगी। उस पर जो मेरी डीपी लगी हुई है ना, उसको आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें। जो मेरी ओरिजिनल ऑफिशियल आईडी है उसी को फॉलो करें। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हरा भरा, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। और यहाँ पर बेटी बैठकर पढ़ रही थी, और बच्चे होते हैं ना ऊपर सब कुछ उठाकर लेकर आ जाते हैं खेलने के लिए। और चारों तरफ कितना ग्रीन ग्रीन, और बादल भी हो रहे हैं, शायद बारिश आ सकती है। अभी जस्ट मैं जाऊँगी रूम के अंदर तो दिखाती हूँ, क्योंकि जो सुबह जो कपड़े थे वो मैंने सारे ऊपर ही सुखा दिए थे बेड के ऊपर। इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं आते तो सभी जगह लटकाने पड़ते हैं, सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, सब जगह। आप भी ऐसे ही जुगाड़ करते होंगे, क्योंकि इंडियन जुगाड़ के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह कर रखे थे, थोड़े से मतलब सिले हैं अभी, इतने मतलब सूखे नहीं हैं। लेकिन अभी शाम को यहाँ पर सोना है, तो मैं इनको इकट्ठे कर कर सोफे के ऊपर रख कर चली जाती हूँ। कल धूप निकलेगी तो इन्हें डाल देंगे, नहीं निकलेगी तो फिर देखते हैं क्या करेंगे, फिर से फैलाने पड़ेंगे, सूख जाएंगे, अदरवाइज़ इनमें बदबू हो जाती है, मतलब सिले नहीं रहते। तो अब नीचे चलते हैं और बनाते हैं सब्जी। सारा काम हो चुका है, तो मेरा सारा काम हो चुका था, और इस तरह से हमारा इवनिंग टू राइट रूटीन। और मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पर दी एंड करते हैं।